स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अपसेक में। देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे ट्यूबवेल ऑपरेटर लेटेस्ट अपडेट्स को। कल ही कुछ छात्रों ने, योगी जी कल गोरखपुर में थे, तो कल ही कुछ छात्रों ने उनको ज्ञापन, सीधे ज्ञापन सौंपा है। साथ ही साथ और ए के पांडे जी से जो फाइनली बात हुई है मेरी, मैं वो सब भी पूरी डिटेल्स इसमें दूंगा। यूपी ट्रिपल एस ने छात्र हित में काफ़ी बड़ा फैसला लिया है, कई सारे वो हैं, मैं अभी उसको ऑफिशियली दिखाऊंगा। मंडी परिषद का रिजल्ट, ये जो काफ़ी दिनों से वेटिंग है, हो सकता है न्यू कैलेंडर में दे दिया जाए या अभी मतलब जल्द ही ये घोषित किया जाना, जैसा कि मैंने यूपी ट्रिपल एस में बात किया है। यूपी पीएससी RO मई मेन्स में हो, मई प्री जो आपका होने वाला वो मई में होगा और मेन्स आपका नवंबर होगा। ये सारी डिटेल्स मैं बारी बारी से अपने मतलब ऑफिशियली विजिट करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसे ही अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। और एक चीज और दोस्तों, RRB NTPC से लेके जो यूपी ट्रिपल एससी आपका लेखपाल की वैकेंसी आ रही, इन सभी चीज के लिए क्रैश कोर्स हमारे चैनल पर शुरू हो जा चुका है। वीडियो के लास्ट में आपको मेन पेज पर वीडियो देखेगा, इंट्रो वीडियो देखेगा, हमने जो न्यू फैकल्टी हायर की हिस्ट्री के लिए और हिस्ट्री मैथ के लिए, ऐसे से धीरे सारी फैकल्टी हायर की जाएंगी, तो आप उसको जरूर विजिट कीजिएगा, जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, ये जानकारी तो मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया कि गोरखपुर में कल योगी जी थे, कुछ छात्रों ने मिलकर जिनसे मेरी बात हुई है लगातार, ठीक है, तो उन्होंने योगी जी को सीधा ज्ञापन सौंपा है और उसमें सिर्फ इनसे ये डिमांड की है, जैसा कि ए के पांडे से लोगों ने काफ़ी बात बात करके बताया, हर बात में वो ये बोलते थे कि मुझे जिस दिन गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाएगा उसके मतलब एक महीने के अंदर ये पूरी कार्रवाई आपको आवंटन से लेकर हर चीज़ आपको, चाहे वो ब्लॉक होगा चाहे ऑनलाइन होगा, हर एक कार्रवाई आपकी मतलब एक महीने के अंदर कंप्लीट करके ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, आपके खंड में भेज दिया जाएगा। तो ये इस विषय पे ज्ञापन सौंपा गया है छात्रों के द्वारा, इस मतलब योगी जी को सीधा। नेक्स्ट है आपका यूपी ट्रिपल एस छात्र हित में लिया बड़ा फैसला, तो ऑफिशियली मैं विजिट करा दे रहा हूँ। दोस्तों इस टाइम हमें यूपी उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इसमें क्या नया अपडेट होके आया है, ठीक है। तो जैसे फ्रेंड्स आप नीचे आओगे, इसमें आया है इंपॉर्टेंट गो एंड डाउनलोड्स, अब इस पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये क्या नया चीज़ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट गो आ गया है, अपकमिंग एग्जामिनेशन है, कोर्ट केसेस है, करंट स्टेटस ऑफ पब्लिश्ड एडवर्टीजमेंट है, सिलेबस है, डाउनलोड आंसर की है। ये पूरा आपके एक ही पेज पे, जैसे मेन पेज पे ही आपको सारी चीज़ मिल जा चुकी है। कई सारे वैकेंसी के लिए आप पूछते रहते हो कि अपकमिंग वैकेंसी कौन सी आने वाली है, कोर्ट केस किस वैकेंसी के लिए चल रहा है, करंट स्टेटस ऑफ पब्लिश्ड एडवर्टीजमेंट क्या है, सिलेबस क्या है, आंसर की है, मतलब पूरी अपडेट इसमें मिल जाएगी। आप अपकमिंग एग्जामिनेशन पे क्लिक करके देख सकते हो, आप यहाँ पे देखिए, ये जैसे यहाँ पे है कि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए कोई अभी स्पेशल अपडेट नहीं है, कोई भी आने वाली होगी तो यहाँ की जाएगी, ठीक है। प्रेजेंटली देर इज़ नो इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिस, प्लीज़ वार द वेबसाइट रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट नोटिस रिगार्डिंग एनी एक्शन, ठीक है। ऐसे दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट गो में भी देख सकते हैं आप कई सारी चीज़ें, देखिए यूपी ट्रिपल एस रिजर्वेशन मतलब इन सब चीज़ों में है, नंबर ऑफ नोटिसेस, इन सब चीज़ों के लेके देखिए, जैसे इसमें ढेर सारी चीज़ आप देखो PDF में खुल के आया है। देखिए 10% रिजर्वेशन के लिए 100 बंदे थे, 100 संशोधन रोस्टर है, ठीक है। विकलांग के लिए क ख ग घ व ये सब श्रेणी, मतलब पूरी डिटेल्स है इसमें, कुछ किसी भी चीज़ के लिए A to Z डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट गो के थ्रू आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी है क्योंकि बहुत बार अभ्यर्थी परेशान होते थे, फ़ोन करके पूछते थे, तो ये अब सब कुछ यहीं पर दे दिया गया है। दोस्तों आगे है आपका मंडी परिषद रिजल्ट, जो अब जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। कोई कंफर्म डेट तो नहीं है लेकिन ये जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है, काफ़ी दिन से ये वेटिंग में रिजल्ट पड़ा है। अगला देख लेते हैं UPSSSC RO मई मेंस में, सॉरी फिर से वही बात, मई में होगा आपका, प्री मेंस होगा आपका नवंबर में। तो ये हम बात कर रहे हैं UPSSSC RO 2016 की, जो अभी कैंसिल्ड होके फिर से इसका नया वो सेलिब्रेट आया, इसको देख लेते हैं ऑफिशियली। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें पूरी डिटेल्स है, ठीक है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 2016 3 मई 2020 को होगी और जो इसी की जो मुख्य परीक्षा होगी वो 1 नवंबर 2020 को होगी, ठीक है। तो विशेष परिस्थितियों में तिथियों परिवर्तन किया जाता है, ये कुछ औपचारिक बातें हैं, ठीक है, और ये पूरी डिटेल्स है। दोस्तों तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ ढेर सारे क्रैश कोर्सेज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।